हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। काफ़ी फास्ट बोलता हूँ, मैंने भी अपने वीडियोस को देखा तो बोला कि हाँ लगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट आई होप आपको समझ में आ जाता होगा। मैं डॉक्टर नाजिर हसन, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट वीडियोस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो सिग्निफिकेंस का मतलब सीधे समझ लो, कई बार ये सवाल आता है फ्रॉम क्लास 6-7 से टिल मास्टर्स, आई थिंक शायद उससे भी हायर पीएचडीज हो, पीएचडीज में भी आता है, कोर्स वर्क में ये सवाल आता है कई बार, क्योंकि कोर्स वर्क में इज मेड मैंडेटरी बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उनके अपने नोटिफिकेशन में आ चुका है 6 महीने का कोर्स वर्क हर कोई को करना जरूरी है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स। खैर, बात करते हैं कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहीं पे भी सिग्निफिकेंस का मतलब अगर आता है, नेचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, बट सिग्निफिकेंस का मतलब सीधा होता है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एबिलिटी, मतलब क्यों है, अगर ये नियम कानून ये भी चीज़ें बनी तो इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। आप लिखना भी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैं हेडलाइंस को 2-3 बार पॉइंट्स में डिस्कस कर देता हूँ, और हेडलाइन को डिस्कस करने के बाद मैं पॉइंट्स को कोशिश करता हूँ ईजी लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करने की विद एन रिलेवेंट एग्जाम्पल। रिलेवेंट नॉर्मली मैं एग्जाम्पल जो नॉर्मली मैं वीडियो के अंत में एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल को लेकर के आपको फिट करवाता हूँ। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। Useful insight into reality, real world situation, principle add to their knowledge, ability to understand managerial situation, circumstances from the experiences. मतलब ये समझ लो significance का मतलब सीधे इसका important क्या है। तो definitely providing managers useful insight, जो उसके काम का है, जो managers है, principle of management जो है, वो manager के काम की चीज़ें जो है उसका insight view उनको देता है real world पे, real practical world पे, कि हाँ ये कानून अगर ये चीज़ें follow कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक रीजन ही यही है कि आप इन चीज़ को मानो, इन चीज़ को फॉलो करो, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में रियल वर्ल्ड में काफ़ी काम आएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स एम्प्लॉय। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज विद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सीधे समझ लो, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन गिव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम कॉस्ट। ये सारी चीज़ों को मैं एक एग्जाम्पल और सिलसिलेवार ढंग से डील करूँगा अभी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये है कि आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, दैट इज देयर कैपिटल, एंड इफ दे वॉन्ट टू स्पेंड दैट अमाउंट इन टू मार्केट, तो इसको क्या बोलेंगे, इन टू मार्केट अगर वो स्पेंड करना चाहते हैं विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, सो दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करना, इफिशेंट यूज करना, कि वो पूरी तरीके से प्रॉपर यूज हो, यूज होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को उनका जो एक्सपेक्टेशन है उतना लेवल तक रिटर्न दे विथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कमांड और कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। साइंटिफिक डिसीजन, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने प्रिंसिपल में भी बात किया कि कोई थ्योरी है, किसी ने बोल दिया कि हाँ ऐसा होगा, जैसे 2+2=4 होता है, तो 2+2=4 ये माना अभी आपने है, अगर 2+2=5 अगर मैं बोल दूँ तो आप इस बात को नहीं मानने वाले हैं। वाई, वट इज द रीजन बिहाइंड इट, 2+2=4 दैट हैज बीन प्रूव्ड, मतलब 1, 2, 3, 4 ये प्रूव हो चुका है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, अगर 2 और 2=5 होता है तो इस थ्योरी को मुझको प्रूव करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक डिसीजन है, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, जो चीज़ पे प्रूव किया जा चुका है, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, हर चीज़ पे एक प्रूफ होता है। सो दिस इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का हमेशा मतलब ये याद रखना कि वो चीज़ें साबित की जा चुकी हैं, चाहे वो रिलेवेंट एग्जाम्पल्स के जरिए से हो, रिलेवेंट थ्योरीज के जरिए से हो, चाहे वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में हो, ठीक है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स, मैनेजिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल एंड के चेंजेस आर मॉडिफाइड एंड मोटिवाइड। नेक्स्ट, समय समय के अनुसार अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बदलाव नहीं करेगा तो उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब आप समझने की कोशिश करो, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स का मतलब, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ईमेल का प्रयोग नहीं होता था, वी वेर नॉट यूजिंग ईमेल्स, वी वेर नॉट यूजिंग फेसबुक, वी वेर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, उस जमाने में मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता क्या था, तो वही वाला ट्रेंग 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 फोन
वो था पहला। दूसरा वही इनलैंड लेटर्स, पोस्टर्स, मनी ऑर्डर्स या जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था टू इन्फॉर्म द अदर पार्टी, ठीक है। टेलीग्राम, टेलीग्राम वो ऐप को मत समझिएगा, टेलीग्राम पहले के जमाने में चिट्ठी भेजने का एक तरीका भी हुआ करता था। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर पुराने जमाने में अभी भी अपने आप को ढाल करके रखती तो कंपनी का एमडी जहां पे बैठा उसके केबिन में एक फोन लगाया और उसके घर पे एक फोन लगाया। इफ इज देयर इन टू गोड और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को तुरंत डिसीजन लेना है तो इन दैट सिचुएशन हाउ दे गेट कनेक्ट विद दैट एमडी। तो मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि अपने आप को समय के अनुसार बदलना होगा आपको। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें दो पॉइंट और बचे हैं एंड देन आफ्टर विल बी कमिंग अप विद अ वाइंड अप। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाई फोर्सेस ऑफ लॉ एंड पब्लिक अवेयरनेस मैनेजमेंट आर इन्फोर्स टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कम में बेसिक चार चीज़ें होती थी। पहला रिसर्च होता था, दूसरा टेक्निकल होता है। रिसर्च जो मैंने चार कीवर्ड्स निकाले थे उनके पूरे के पूरे डेफिनेशन को, रिसर्च रिसर्च पे बेस्ड है। टेक्निकल स्किल उसमें एप्लीकेबल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधे की तरह जो बोल दिया उसको माना जाता है, उसको साबित भी किया जाता है। थर्ड मैंने बोला था सोशल, ऑर्गेनाइजेशन समाज के प्रति सोसाइटी के प्रति सोशल होती है। फोर्थ होती है इथिकल, उसका एक अपनी एक वैल्यूज होती है, उसको वो मान के चलती है, उसको वो रेस्पेक्ट देती है। सो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मत सीधा मतलब ये मान सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने समाज, अपने दायरे, जिस लोकेशन पे वो काम कर रही है, जिस समाज से वो पैसा कमा रही है, जिस समाज में उसके लोग हैं, जिस समाज में वो ऑर्गेनाइजेशन खुद चल रहा है, वहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक दायित्व को निभाना होगा। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्मॉल है, बिग है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, छोटा है, जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे जो गुल्लक से अपना पैसा दे रहे हैं, चाहे वो एक वयस्क, एक एडल्ट है, एक एजेड आदमी है, अपने लेवल से कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को मदद कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका सामाजिक दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति आपके आस पड़ोस का कोई भूखा ना मर जाए। सो नो बडी इज डूइंग एनीथिंग, किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहा, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड दे आर फुलफिलिंग इट। सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ द मैनेजमेंट कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का जो समाज के प्रति जो एक दायित्व होता है उसको फुलफिल करना। उसी तरीके से कोविड-19 के डिजीज पे जो इंडिया में भी हमारे चल रहा है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एडवर्टाइजमेंट पे या गवर्नमेंट को पीएम रिलीफ फंड में, पीएम केयर्स फंड में या अलग अलग फंड्स में, या लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से अब जितना हो सके यथासंभव मदद पहुँचाने का कोशिश कर रही है। लास्ट आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट को ट्रेन किया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है और फर्दर डेवलपमेंट के लिए रेगुलर 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 रिसर्च किया जाता है। रिसर्च का मतलब हमेशा याद रखिएगा सर्च प्लस री, मतलब जो चीज़ें खोजी जा चुकी हैं उनकी वापस उनमें इन्हांसमेंट करने के लिए, उनमें बढ़ावा देने के लिए, या उनमें जो रिसर्च हुआ हुआ है उसमें एड ऑन हो कुछ या माइनस हो, से इसको साबित करने के लिए प्लस प्लस माइनस करने के लिए रिसर्च किया जाता है। सो मैनेजमेंट अपने लोगों को हमेशा ट्रेनिंग देती है, उनको शिक्षा देती है, जिसको आप कई बार बोलते हैं ट्रेनिंग सेशन में गए हुए हैं, आपके पापा मम्मी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको भी, अगर उनका दुकान है तो कंपनी जिस कंपनी के साथ वो काम करते हैं वो भी टाइम टाइम पर उनको ट्रेनिंग देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होता है, वो अगर बहुत बड़ा ना हो तो छोटा भी होता है। वो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हम लोगों ने शायद बात किया, अगर नहीं किया है तो अपने कमिंग वीडियोज में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। खैर, कमिंग डायरेक्टली टू अ पॉइंट, मैं इन पॉइंट्स को फिर एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ जो क्विक रिविजन होगा आपका, जो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ों को घुसा देगा। तो इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, रिलेवेंट एग्जाम्पल इज फैन मैन्युफैक्चरर कम फैन मैन्युफैक्चरर आई एम अ फैन मैन्युफैक्चरर कंपनी जहाँ पे मैं फैन बनाता हूँ बाजार के लिए। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी मतलब ये है कि अगर मैं फैन बना रहा हूँ और ये फैन को मार्केट में सप्लाई करना है मुझे, तो डेफिनेटली बना रहा हूँ तो अपने गोडाउन में तो लग करके सड़ाऊंगा नहीं, इसको मार्केट में पहुँचाना है तो मैं डेटा लेके आऊँगा कि बाजार में फैन की पोटेंशियल कितनी है, गर्मी के दिनों में कितना बिकता है, जाड़ा के दिनों में कितना बिकता है, बरसात के दिनों में कितना बिकता है। सो प्रोवाइडिंग ये इन्फॉर्मेशन देंगे विद इनसाइट रियलिटी, एक रियल डेटा होगा। वो डेटा मैं गवर्नमेंट के सरकार से, अलग अलग कंपनी के वेबसाइट से सर तलाशूंगा कि वो XYZ कंपनी जो माल बना रही है वो कितना बेचती है, उसे इससे पता चलेगा कि प्रोवाइडिंग मैनेजर यूजफुल इनसाइट
into reality. Second, optimum utilization of the resources into effective with effective administration. तो मेरे पास मैंने रिसर्च किया तो पता चला बाजार में 1 लाख फैन की खपत हर साल होती है. नेक्स्ट मैंने सर्च किया वापस तो देखा कि 1 लाख फैन जो है उसकी खपत है, तो मैं उसका खपत करने को उस वर्सेस मैं अपने प्रोडक्शन से अगर जोड़ करके देखूं तो मैंने टारगेट लिया कि मैं 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करूंगा. तो 10,000 यूनिट के लिए मेरे पास अगर 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट आता है, विच इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो धंधे के शुरू करने के लिए बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरत पड़ती है. सो दिस इज अगर 10,000 फैंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, तो 10,000 फैन के लिए अगर 1 लाख रुपया लगता है, तो जो 1 लाख रुपया है उसका सही तरीके से उपयोग करना वो आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक सही तरीके का प्रभाव से वो करूँगा मैं. नेक्स्ट साइंटिफिक डिसीजन, मैंने देखा कि फैन जितनी भी कंपनियां हैं उनका कंपोनेंट सही जा रहा है, मार्केट सेल भी सही जा रहा है, तो मैं वहां पर साइंटिफिक डिसीजन ये लूंगा कि मैं देखूंगा कि कौन सी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में ज़्यादा डिज़ाइन है और क्यों डिज़ाइन है, और किसी कंपनी का कम है तो क्यों है, तो उसके पीछे में क्या वो कोई टेक्निकल रीज़न है, क्या मार्केटिंग एक रीज़न है, क्या ब्रांडिंग एक रीज़न है, क्या पैकेजिंग कोई रीज़न है, तो इन सभी चीज़ों को मैं रिसर्च करूँगा एंड दैट इज साइंटिफिक डिसीजन. नेक्स्ट मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स, मैंने देखा कि एक कंपनी थी एक्स कंपनी या ओरिएंट फैन था जिसका लास्ट ईयर 20,000 यूनिट का फैन बिक रहा था, और आई मीन 2017 में 20,000 यूनिट था, वही 2018 आकर के उसका 15,000 यूनिट हो गया, तो 2019 में वापस वो 25,000 का यूनिट सेल हो गया. तो इसके पीछे में 5,000 माइनस और 10,000 प्लस का रीज़न क्या हुआ, तो मैं उसको स्टडी करूँगा कि ओरिएंट फैन का डाउन होने का रीज़न क्या हुआ, वो तो उन्होंने भी रिसर्च किया होगा. इट मीन्स ओरिएंट फैन का अगर डाउन हुआ तो क्या दूसरी कंपनी का डाउन हुआ या सिर्फ ओरिएंट का हुआ, प्लस हुआ तो क्या ओरिएंट का सिर्फ प्लस हुआ या दूसरी कंपनी का भी हुआ, या जो दूसरी कंपनी का प्लस हुआ उसके पीछे में उसने कोई टेक्नोलॉजी कोई नया चेंजेस जिसको मार्केट ने बहुत दिलो दिल से एक्सेप्ट किया, या ओरिएंट की कुछ कमी गई, तो उन चीज़ों को मैं मीट करूंगा. नेक्स्ट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बना रहा हूँ जिस एरिया में अपना मैनुफैक्चरिंग यूनिट में डालूंगा वहाँ के लेबर क्लास वहाँ के लोगों के लिए मैं खाने की व्यवस्था करता हूँ, उनके बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करता हूँ, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाऊंगा. सो दिस इज मीटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वहाँ के लोगों को एक को काम देने में की प्राथमिकता दूंगा, चाहे वो किसी भी क्लास पे हो, आई मीन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च, मैं अपने लोगों को रेगुलरली ट्रेनिंग दूंगा, जो लोग ये जो डेटा मैंने आपको बताया कि 5,000 माइनस 10,000 प्लस फैन की सेल्स घटी बढ़ी, तो वो दैट इज रिसर्च. सो दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कई जगहों पे यूज होता है. इस चीज़ को समझने में कई बार दिन लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम क्लास 11th टिल मैनेजमेंट, क्योंकि कई चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं, बाकी फिर धीरे 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 हम उस पर डेप्थ पे चले जाते हैं. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.